السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آج تاريخ 26 دو 2022 بلوغ المرام

مليء حديث حديث عائشة باب الوضوء صفة وضوء کے حوالے سے مؤلف رحمه الله أحاديث کے سلسلة की एक कड़ी हज़रत आयशा रु तन कि इस हदीस को भी यहाँ ज़िक्र फरमाया फ़रमाती हैं है हज़रत आयशर रज़ील्न कान रसूल सल्हु वसम युजोह तयम मोनो फ़ी तनाओली वूली ही وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه حديث جواليسة یہ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بخاري کی بخاری اور مسلم کے حوالے سے. जो मुअल्लिफ़ ने बाबुलज़ू के तहत यहाँ ज़िक्र किया है जिसका मफहूम ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाया सिमत और दाया तरफ आपको पसंद था किसी भी चीज़ को दाएँ से आप अंजाम दिया करते थे दाएं से अंजाम देना कान रसोल्लाम युजिब हो युजिब हो आए असुरू नबी को खुश करती थी पसंद आती थी आपको अच्छा लगता था किसी भी काम को करने के लिए दाया से काम का आगाज़ करना अजीब बहुत तयम मोनू दाएँ तरफ से काम को अंजाम देना आपको महबूब था पर आपका पसंदीदा था फी तनाउली ही तनाउल नाल से है तनाउुल नाल से है नाल के माने होते हैं जूता चमड़े का जूता चमड़े के जूते को नाल कहा जाता है तो जी जूता पहनने में फी ही जूता पहनने में वह तरजुल ही और कंघा करने में तरजुल कंघे से बाल को दुरुस्त करना यानी बालों से बालों को कंघे से सही करना तरजुल कंघा करने में व तहूर ही और पाकि हासिल करने में वो ही और पाकि हासिल करने में वीशा अनी ही कुल्ले ही और अपने तमाम हालात में व फीशा ही कुल ही और अपने तमाम हालात में क्या पसंद था नबी वसल्लम को दायां पसंद था आपको दाया पसंद था तो दाया पसंद था जिसमें से चंद चीज़ों का यहाँ नाम हज़रत आयशा रज़ी अनहा ने लिया और चंद चीज़ों के नाम के ज़िक्र के बाद एक आम सी बात उन्होंने आखिर में जिक्र फरमाई जूते का यहाँ जिक्र आया पहले कि जूता पहनने में तो जूता पहनने में आप दाया से शुरू करते थे कमाना क्या है यानी दाया पैर पहले पहनते थे बाया पैर उसके बाद पहनते थे क्या ये हमेशा ऐसा होता था आप इसका एहतमाम करते थे इसका आप एहतमाम करते थे लेकिन जब मस्जिद से निकलेंगे तब मस्जिद से जब बाहर निकलेंगे तो पहले बायां पैर निकालेंगे या दाहिना पैर तो दाएं से कैसे शुरुआत करेंगे अच्छे कामों में संत अच्छे कामों के लिए यानी इससे मुराद ये है कि अच्छे जो काम है फ़ज़ीलत वाले जो काम हैं महबूब जो काम हैं, तो ऐसे कामों का आगाज़ नबी करीम दाएं से करते थे अब इसी से समझ में आ जाएगा कि आपको अगर बैतुल खला में जाना होगा तो दाखिल होना होगा तो बाया तो दाया आपको पसंद था उसके बावजूद बायां आप पहले कर रहे थे क्योंकि ये उन चीज़ों में से नहीं है जिन्हें अच्छे उमोर कहे जाएं तो अच्छी चीज़ों को दाएं से और वो चीज़ें जो उसके ख़िलाफ़ हैं उनको बाएं से अब अगर कोई शख्स मस्जिद से बाहर निकल रहा है तो जूता कैसे पहनेगा अगर कोई शख्स मस्जिद के बाहर निकल रहा है तो जूते कैसे पहने और अगर डायरेक्ट पैर को जूते में डालना हो तो क्या करें? <laughs> हैं हाँ यानी अगर कोई शख्स मस्जिद से निकल रहा है और बाहर उसका चप्पल रखा हुआ है तो पहले बाएं पैर को वो आगे बढ़ा रहा है और उसका ये पैर चप्पल पर आ रहा है क्या करेगा वो नहीं पहनेगा उसको नहीं पहनेगा है? दो मतबा करेगा तो पैर पैर बढ़ाएगा और दूसरी बार पैर हलाएगा नहीं, नहीं उसूल तो बाकी रहेंगे लेकिन तकल्लुफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी पाक थी कि नहीं पाक थी, थी। तकल्लुफ के माने क्या होते हैं किसी काम को बामशक्क़्क़्क़्क़त अंजाम देना नॉर्मल से हट करके नॉर्मल से हट करके नॉर्मली जो आसान हो वो आदमी करेगा नॉर्मली उसके लिए जो आसान होगा वो करेगा जो तरतीब आप बता रहे हैं उस तरतीब में अगर किसी के लिए मशक्क़त हो रही है तो उसको छोड़ देगा जो मैसर उसके लिए होगा उसको अंजाम देगा क्योंकि मस्जिद से बाहर निकलना ये मुस्तहसन उम्र में से नहीं है कि दाएं से उसका आगाज़ किया जाए और पैर निकालना या डायरेक्ट पैर को जूते या चप्पल के अंदर दाखिल करना ये दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं दोनों मिलती जुलती चीजें हैं भाई आपके चप्पल अगर सीधे सीधे रखे हुए हैं और आप मस्जिद के बाहर पैर निकाल पैर उस चप्पल के ऊपर आप रख रहे हैं तो एक बार उसके ऊपर रखें दूसरी बार उसके अंदर डालें एक बार उसके ऊपर रखें दूसरी बार उसके अंदर डालें और उससे आसान ये है कि डायरेक्ट आप चप्पल के अंदर पैर डाल दें तो मुमकिन है कि ऐसा कुछ लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो तो जो आसानी के साथ जो काम अंजाम पाए नॉर्मली तरीके से वो बेहतर हुआ करता है माखुई रसूल सी नाम अलख तारा ऐसा हम दो कामों में से जब किसी काम के दरमियान इख्तियार दिया जाता तो दोनों में से जो ज़्यादा आसान होता वो नबीसम इख्तियार करते थे क़ुरान में अल्लाह ने कहाा आलहीमा मिन तकल्लफ़ ही कि मैं तकल्लुफ़ करने वाले लोगों में से नहीं हूँ तो मैं तकल्लुफ करने वाला तकल्लुफ़ यानि किसी काम को कुल्फ़त से यानि मशक्क़त से करना किसी काम को कुल्फ़ा और मशक्क़त से करना परेशानी से करना तो ऐसे में अगर किसी शख्स के लिए आसान है कि वो पैर निकाले और डायरेक्ट चप्पल या जूते के अंदर बाएं पैर को दाखिल कर रहा है तो सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है वो वो सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है क्योंकि मस्जिद से बाहर निकलते वक्त नबी वसल्लम बाएं ही को पहले करते थे वो सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं हुआ अगर किसी के लिए आसान ये है कि एक बार पैर को ऊपर रखे फिर आ, आराम से पैर को उसमें दाखिल करे अगर उसके लिए वो आसान है तो फिर ऐसी सूरत में वो दाएं पैर को मुकदम करेगा ऐसा करने के बाद कौन सा काम तकल्लुफ इसमें है तकल्लुफ जाहिर है अल्लाह कि किसी का ये अमल तकल्लुफ से हट करके है कोई हर्ज नहीं तो उसने उसने दोनों सुन्नतों को अपना लिया है चप्पल पैर को क्या करें नहीं, नहीं कोई हर्ज डायरेक्ट अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है उसमें कुछ भी हर्ज की बात नहीं है कुछ भी हर्ज नहीं है ये आम हालात में है मस्जिद के अलावा के हालात में हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं से चप्पल पहनने का आगाज़ करते ये आम हालात में है गोया की मस्जिद की हालत इससे अलग होगी और वैसे भी वो लोग जूते और चप्पल पहन करके नमाज़ पढ़ा करते थे उस दौर में उस दौर में नमाज़ पढ़ने का मामला आसान था जूते और चप्पल ही में आराम से वो नमाज़ पढ़ लेते थे तो उसमें कोई मसला तो था ही नहीं जी यु अजिब हो आजबा यु अजिबो एजबा यु अजीबो तो अजबा युजो के माने होते हैं किसी चीज को पसंद करना किसी चीज को भा जाना किसी चीज का अच्छा लगना किसी चीज का अच्छा लगना हाँ अतयमुनु यमीन से है यमीन माने दाया अ मुनो यमीन से है यानी दाएं को पसंद करते थे दाएं से उस काम को करना या दाएं पहलु को इख्तियार करना दाए को इख्तियार करना यह नबी वसल्लम को पसंद था दूसरा इसमें जिक्र किया गया है तरजुल कंघा करना कंघा कैसे करें लोग यूं शुरू करते हैं यूं शुरू करते हैं ूमी तौर पर जो देखने में आता है कंघा लिए और यूं शुरू किए कंघे से ऐसे और ख़वातीन में देखा गया है कि यूं शुरू करती हैं, कंघा यूं। यानी पेशानी के बालों को पीछे करने का तरीक़ा ख़वान के अंदर और मर्दों के अंदर अपने बालों को इस तरीके से कंघा ले करके और यूं यूं नबी करीम का तरीक़ा क्या था दाएं तरफ से फिर बाएं तरफ आप करें बीच में करें कहीं भी करें लेकिन आगाज़ दाएं से ये जो दाया तरीक़ा दाया तरफ है यहाँ से आगाज़ किसी को भी करना है दाएं तरफ से शुरुआत करें, शुरुआत दाएं से करें, फिर कहीं से भी वो उस काम को आगे बढ़ाए और यही हाल बाल के कटवाने का भी है अब कटवाने का मसला है तो एक है काटने वाला और एक है कटवाने वाला एक है बाल को तरसवाने वाला और एक है हल्ला और नाई ये दो लोग हैं ना तो दोनों का अपना अपना दाया है भाई नाई भी कहता है नबी सल्लम को दाया पसंद था और ये जो बाल कटवा रहा है ये कह रहा है नबी सल्लम को दाया पसंद था किसका एतवार करेंगे भाई जिसके हाथ में छुरा है जिसके हाथ में कैंची है उसका एतवार करेंगे कि नहीं करेंगे काम तो वो कर रहा है ना <laughs> काम करने वाला कौन है? है काम करने वाला कौन है इसमें ना ये है तो क्या उसका एतबार किया जाएगा या नहीं हैं है? वही तो मैंने कहा कि दोनों कहते हैं कि दाया अगर दोनों का दाया एक हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अगर दोनों का दाया अलग अलग हो गया फिर क्या करेंगे दोनों का दाया अगर एक है यानी वो पीछे खड़ा है अगर वो काटने वाले के तो दोनों का दाया एक हो जाएगा और अगर उसके सामने आके खड़ा हुआ और अक्सर ऐसे ही होता है कि वो सामने खड़ा होता है तो अगर ऐसा हुआ तो दोनों का दाया एक दूसरे से अपोजिट होगा तो क्या करना चाहिए कहाँ खड़ा हो पीछे खड़ा हो <laughs> वहाँ से आगाज़ करें और अगर वो सामने से आगाज करना चाहता है तो काम का एतबार होगा यहां तनाउुल तरजुल तोहर, इन सब चीजों का नाम लिया गया है काम का नाम लिया गया है ये सब काम है कि नहीं वहां कौन सा काम है बाल काटना तो बाल काटने के अमल में जाहिर सी बात है दोनों का बाल तो नहीं कट रहा है दोनों में से एक ही का कट रहा है तो जिसका कट रहा है पहले दाहिने से कटे और जो काटने वाला है वो दाएं हाथ से काटे हो गया दोनों का जो काटने वाला है वो दाएँ हाथ से काटे और जिसका काटा जा रहा है वो दाएं तरफ से उसके बाल का जो दाया हिस्सा है वहाँ से वो शुरू कर दें यानी ये जो हिस्सा है दाया इस तरफ का वो पहले करे आप लोगों ने क्या देखा बाल कटवाने वालों में वो यूं कंघा शुरू करता है नाई और ऊपर से काटना शुरू कर देता और अब मशीनें भी आ गई हैं तो यूं मशीनों को लगाता है और पीछे लेकर के जाता है और उसके बाद फिर दाएं बाएं और दूसरे जिहाद का एतबार करता है तो ये सिखाने की ज़रूरत है बताने की ज़रूरत है कि जब हम जाएँ तो उसको बताएँ कि बाल के काटने की शुरुआत बिस्मिल्लाह करके आप यहाँ से शुरू करें गरचे वो नीचे से शुरू करें गरचे वो ऊपर से शुरू करें गरचे वो साइड से शुरू करें, लेकिन दाएँ तरफ कहीं से भी शुरू करना हो दाएं तरफ यानी सर के दो हिस्से कर दें नाक की सिधाई पर दो हिस्से बना दें तो दो हिस्से बनाएंगे तो आधा इधर और आधा इधर तो जो आधा इस तरफ है उस तरफ से उसको काटने के लिए कहें या अगर उसको मुडवा रहे हैं तो यहाँ से मोड़ने के लिए आगाज़ करने की बात कही जाए ख़ास तौर से बच्चे की वलादत हुई है तो यहाँ बीच से बहुत सारे लोग शुरुआत करते कहते हैं यहाँ से और यूँ काटना शुरू कर देते हैं खींच के पीछे से लेके आने को तो याद देहानी कराना और अमली तौर तो पर उसको बताना कि इस तरह से काम को काम को करें तो यकीनन वो आपके ज़रिए से सीख सकेगा कि हमें बालों को ऐसे ही काटना चाहिए और ऐसे ही हमें निकालना चाहिए और नाखून काटना हो तो नाखून काटना है तो बीस उंगलियां हैं आपके पास बीस उंगलियां कहां से शुरुआत करेंगे हैं <laughs> देखिए जो दाया मुमकिन है इख्तियार करना वो इख्तियार करें जिसका दाया इख्तियार किया जाना मुमकिन है काम 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 देखें नाखून काटना भी एक काम है तो उस काम को आप चाहें तो अंगूठे से शुरू करें या छोटी उंगली से शुरू करें अंगूठे से शुरू करेंगे तो बाएं तरफ जाएंगे और छोटी उंगली से शुरू करेंगे तो दाएं तरफ जाएंगे जिसके हाथ में उंगलियां हैं वो अपना दायां बायां फिक्स करे। अगर दूसरा कोई काटने वाला है तो अपना दायां बायां मत देखे जिसके हाथ की उंगलियां हैं और उसमें नाखून है वो अपना दायां शुरू करे तो उसका दायां छोटी उंगली से शुरू हो करके के और बाएं तरफ आता यानी दाएं हाथ को छोटी उंगली से शुरू करके अंगूठे तक आए और फिर अंगूठे से शुरू करके छोटी उंगली तक जाए ये दाएं से बाएं का सफ़र होगा दाएं से बाएं तक के तो इस तौर पर अगर करता है तो यकीनन वो सुन्नत के एतबार से दाएं को इख्तियार कर रहा है वो तहोर ही इसमें कहा गया पाकि पाकी से क्या मुराद है आए तोहर, पाकी लाअबल्ला بغير طهور ولا वाला من غلول. तो तहूर कह करकेज़ो मुराद लिया गया है तहर तहर के माने थे पाकी हासिल करना तहर माने पाकी हासिल करना तहूर भी बोला जाता है उसके माने क्या है जिस चीज के जरिए से आप बर्तन बर्तन और पानी तो यहां वजू मुराद है तोहर बोल करके पाकि हासिल करने से मुराद वजू करना है तो वजू करने का आगाज अगर आदमी करेगा तो दाएं से करेगा यही है बाब से मुनासबत इस बाब के अंदर जो मुअल्लिफ ने जिक्र किया है बाबुलवो तोहोर की वजह से जिक्र किया है कि तोहर बोल करके ओज़ो मुराद लिया गया है और अगर वजो बनाते हुए हम दाया कर रहे हैं जो कि छोटा छोटी तहारत है तो जो बड़ी तहारत है उसके अंदर भी दाएं ही का एतबार किया जाएगा यानी गसल तो जो एतबार छोटी तहारत में है वही एतबार बड़ी तहारत के अंदर भी यानी गसल के अंदर भी रहेगा वो तो रही वो फी शानी ही कुल ही क्या इससे मुराद पेशाब पैखाना है क्योंकि वो भी तहारत है नहीं वो इसमें नहीं दाखिल है क्योंकि यो जो वह तमुन है यहाँ पे, और पेशाब पैखाने के ताल्लुक़ से और भी रिवायतें आती हैं जैसे कि एक रिवायत के अंदर है सही मुस्लिम की कि आदमी अगर पेशाब कर रहा है तो दाएं हाथ से अपने जकर को ना पकड़े लायुम सिकन ذكره بيمينه وهو يبول पेशाब करते हुए अपने शर्मगाह को ना पकड़े पेशाब करते हुए अपने शर्मगाह को दाएं हाथ से ना पकड़े तो फिर किससे पकड़ेगा बाएं हाथ से क्योंकि ये वो हालत नहीं है जिसे अच्छी हालत कही जाए ये अच्छी हालत नहीं है तो जो अच्छी हालतें नहीं हैं उसके लिए बायां हाथ अच्छी हालतों के अलावा के लिए बाया है दाएं से मुमानियत कर दी गई और इतना ही नहीं बल्कि इस्तिंजा से भी मना कर दिया गया है दाएं से वला इस्तंजी भी अमीन ही क्या मतलब इस्तिंजा इस्तिंजा के माने हुआ पानी के ज़रिए से पाकी हासिल करना वाला यजी बी अमीन ही पानी के ज़रिए से पाकी हासिल करना तो पानी के ज़रिए से, तो से पाकी हासिल करने में दाया का इस्तेमाल करना नबी करीम ने मना कर दिया है तो फिर क्या बच रहा है तो माना यह हुआ कि अच्छे कामों के लिए दाया है बेहतर कामों के लिए दाया है तो यहाँ तोहर से मुराद वो तहारत नहीं आएगी जो पेशाब और पैखाने से बाकी की तहारत होती है जैसा कि इस रिवायत के अंदर जो भी मैंने सही मुसलिम के हवाले से जिक्र किया सराहतन नबी करीम वसल्लम की मुमानियत मौजूद है वफ़ी शान ही कुल ही शान ही कुल ही और तमाम ही हालात के अंदर तमाम हालात में नबी क़रीम वसल्लम को दाया पसंद था अब तमाम हालात में पेशा पैखाना भी है तो क्या उसमें भी दाया पसंद था उसके ताल्लुक़ से तो अभी अलग से एक हदीस ज़िक्र की जा चुकी है तो मालूम ये हुआ कि जो गंदी चीज़ें हैं वो मुराद ही नहीं हैं बल्कि अच्छी चीज़ें जिनकी मिसाल दी गई है जिनका तजकर किया गया है चंद मिसालें दे के कहा गया है हफ़ी शही कुल्ली यानी इन जैसी अच्छी चीज़ें जो भी ज़िंदगी के अंदर आती थी नबी करीम उसमें दाया पसंद करते थे जो मिसाल में ज़िक्र की गई हैं बातें है। अब जैसे मिसाल के तौर तो पर एक शख्स को कपड़ा पहनना है उसका जिक्र यहाँ नहीं है तो कौन सा हाथ पहले दाखिल करेगा दायां हाथ दाखिल करेगा हालांकि कपड़े का जिक्र नहीं है खुशबू लगाना है खुशबू कहाँ से लगाएगा जैसे खुशबू लगाना है उसका जिक्र यहाँ नहीं है तो कैसे वो लगाएगा किस हाथ में खुशबू लेगा किस हाथ में खुशबू लेगा किस हाथ में लेगा किस हाथ में लेगा खुशबू को बाएं में तब तो दाएं पे लगाएगा भाई दाएं पर लगाने के लिए दाएं से दाएं पे कैसे लगा सकते हैं है? दाएं से दाएं पर कैसे आप लगा सकते हैं तो बाएं हाथ से ले करके अगर वो दाएं पर लगा रहा है तो दाएं से आगाज़ कर दिया उस शख्स ने खुशबू लगाया ऐसे ही अगर सर में तेल लगाना चाहता है या जिस्म के कुछ हिस्सों में तेल लगाना चाहता है तो कैसे तेल लेगा बाएं हाथ से दाएं हाथ पर ऐसे ही कोई शख्स किसी को पानी पिलाना चाहता है तो जग आपके पास है गिलास भी है किस हाथ से पकड़ेंगे और किस हाथ से निकालेंगे है सन्त हम क्या करते हैं झट से दाएं से उठाते हैं और बाएं में गिलास पकड़ करके निकालते हैं और यूँ पकड़ा देते हैं यूँ पकड़ाते हैं यह तरीका नहीं सही है बेहतर तरीका क्या है बाएं से निकालें दाएं में गिलास लें और उस गिलास को आप आगे बढ़ा दें तो इस तरीके से आप दाएं से उस काम को अंजाम देंगे यानी देने वाला जो तरीक़ा है दाएं से देने वाला ऐसे ही अगर आपको चाय पिलानी है माशाल्लाह भी चाय पी रहे थे तो यूँ निकाल करके और दाएं हाथ से आप देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे वफ़ी शान ही, ही से मुराद क्या हुआ तमाम हालात के अंदर नबी वम ऐसा पसंद करते थे यानी अच्छे जो अच्छे उमूर हैं जो अच्छी हालतें हैं उसमें नबी करीम सल्लम को दाया पसंद था और जो अच्छी हालतों के अलावा हैं उसमें नबी करीम्ल्लम को ये चीज़ पसंद नहीं थी नाक साफ़ करनी है दाएँ से करेंगे या बाएँ से कैसे करेंगे जिसे पानी लेंगे ना पहले या वैसे ही साफ करना शुरू कर देंगे पानी लेंगे तो पानी बाएं हाथ में लेंगे बाएं में लेंगे और बाएं से साफ करेंगे <laughs> या तो दोनों हाथ में आदमी पानी लेगा या दाएं हाथ में लेगा या तो दोनों में लेगा और या दाएं हाथ में लेगा क्योंकि दाने दाएं से पानी दाखिल करेगा और बाएं से साफ़ करेगा दाएं से पानी दाखिल करेगा कुल्ली या नाक दोनों में पानी दाखिल किया और बाएं से उसकी सफ़ाई का काम किया तो सफ़ाई के काम के लिए आदमी ये तरीक़ा अपनाता है अब अगर आदमी को पेशाब और पायखाने से तहारत हासिल करनी है तो एक ही हाथ से दोनों काम नहीं कर सकता पानी गिराने का और सफ़ाई करने का तो बाएं ही हाथ से पानी भी गिराएगा और बाएं हाथ से ही सफ़ाई करेगा ऐसा मशक्क़त का, का काम है काफ़ी मेहनत तलब काम है और अच्छे से सफाई का काम भी नहीं हो पाएगा तो उसके लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल करेगा पानी को गिराने के लिए और बाएं हाथ का इस्तेमाल करेगा सफ़ाई के लिए तो हर वह काम जिसकी सफ़ाई की जानी मकसूद है तो वहाँ दाएँ का इस्तेमाल होगा सफाई के लिए नहीं सफ़ाई के लिए वो चीज़ें पेश करना कि जिस पर सफाई मुनसर है इसंजा हो या और छोटा बड़ा इसजा या नाक की सफाई हो वगैरह हाँ तो, बाएं हाथ से करेगा बाएं हाथ को नाक में दाखिल करना है नाक में दाखिल करना है या पानी हवा के जरिए से पहुंचा लेनी है तो वहां उंगली की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर उंगली दाखिल करने की जरूरत पड़ रही है नाक के अंदर तो बाएं हाथ की उंगली दाखिल करेगा हाँ दो है तो उसके पास हरकत है एक ही उंगली के जरिए से वो दोनों काम कर लेगा दाया बाया वी शानी कुल्ली और तमाम ही हालात के अंदर ये मिसालें दे करके गोया की ज़िंदगी को हमारे लिए आसान कर दी गई ज़िंदगी को हमारे लिए अमली तौर पर ये दिखा दी गई कि कैसे हम ज़िंदगी को बेहतर तरीके से अफजल तरीके से हम जी सकें और इतना ही नहीं यहाँ तक कि नबी करीम सल्लम की मजलिसों के अंदर अगर कुछ देने और लेने की ज़रूरत पेश आती थी तो नबी करीम सल्लम बाएं के बजाय दाएं से उसका आगाज़ करते थे बाएं के बजाय दाएं से उसका आगाज़ करते थे जैसा कि एक बार आपने किया कि आपके दाएं तरफ अब्दुल्लबिन अब्बास और बाएं तरफ कौन थे हज़रत अबू बकर जैसे बड़े सहाबा थे जाहिर सी बात है नबी करीम सल्लम अपने तरीक़े के एतबार से दाएं तरफ आपने देने का इरादा फरमाया लोगों ने मशवरा देना चाहा कि हज़रत अबू तरफ आप इस चीज़ को मुंतक कर दें नबी करीम सल्लम की तरफ से कहा मैं अपने हिस्से पर किसी को तरजीह नहीं दे सकता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बरकत उन्हें हासिल हो रही है मैं किसी और को तरजीह नहीं दे सकता दुनियावी मामला होता तो हो सकता था क्या समझ में आया इस वाकई से क्या समझ में आया दें 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 दें। शुरुआत दाएं तरफ से ही करना चाहिए जैसा कि नबी वसल्लम ने किया और इब्ने अब्बास के तरीके से क्या समझ में आया कामों, इन कामों में अपने आगे कोई मिसाल है कोई मिसाल भाई साहब कराम तो वो थे जिन्होंने सब कुछ मक्का से आने वाले सहाबा के लिए पेश कर दिया क्या ऐसा नहीं हुआ कि वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के आ गए मदीने में और मदीने वाले अपने सामान को क्या करते थे ज़्यादा से ज़्यादा देने और उसमें हिस्सेदारी उनकी करने की कोशिश में थे वही उसे रो नायला खसासा वसाशा खसास हाजत के बावजूद भी वो लोग दूसरों को तरजीह देते थे अपने ऊपर और यहाँ इब्ने अब्बास क्या कह रहे हैं मैं किसी को तरजीह नहीं दे सकता मैं अपना हिस्सा खुद लूँगा किसी और को तरजीह नहीं दे सकता और क़ुरान क्या कह रहा है वही उसेरून वो लोग खान अबी खसास हाजत के बावजूद भी वो लोग किसी और को अपने ऊपर तरजीह

सवाल समझ में आया सवाल तरजीह देने वाली बात है कुरान कह रहा है कि वो तरजीह देते थे औरों को अपने ऊपर और वो कह रहे हैं, मैं नहीं तरजीह देने वाला हाँ बरकत का मसला

अगर कुर्बानी पेश करेंगे तो अजर नहीं मिलेगा यहाँ जी चलिए ये तो नजरी बातें हो गई नजरी का मतलब थ्योरी है ना कोई मिसाल दे सकते हैं दोनों की अलग अलग ये तो थ्योरी वाली बातें हो गई प्रैक्टिकल में कोई मिसाल है कि कहाँ हमें तरजीह देना चाहिए कहाँ नहीं तरजीह देना चाहिए आप लोगों की बातों से तो ये लगा कि कुछ जगह हैं जहाँ हम तरजीह दे सकते हैं देना चाहिए और कुछ जगह हैं जहाँ हमें तरजीह नहीं देनी चाहिए आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है हुँ? ऐसे ही है मुतफ़ हैं तो अगर ये बातें आपकी तरफ से हैं तो इसकी कोई मिसाल है जी आया है तरजीही शक्ल जो आई हुई है कि भूखे रह करके मेहमानों को उन्होंने खाना खिलाया बेशक खुद नहीं खाए लेकिन आने वाले मेहमान को

इमाम आते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं कि नहीं वो वो जैसे नहीं नमाज पढ़ाना चाहते हैं कोई दूसरा ही तो हम क्या करते हैं सारी सफों को छोड़ते हुए उनको अगली सफ में बढ़ाते हैं कि नहीं तो इमाम हरम न सही कोई भी काबिल जिक्र शख्सियत आती है तो हम रास्ता उनके लिए दे देते हैं और उनको आगे की सफों में बढ़ा देते हैं देखिए इजाफ़ता जो है वो दीनी उमूर के अंदर एसार नहीं है दुनियावी अमूर में एसार है एशार और कुर्बानी, ईशार यानी तरजीह अपने से दूसरों को आगे कर देना दीनी मामलात में हमें आगे बढ़ना है दुनियावी मामलात में दूसरों को अपने ऊपर आगे बढ़ाना है दीनी मामलात में हमें आगे बढ़ करके उसे लेना है क़ुरान कहता है वह सारे इलाम अखरोत में रब्बिक सारे ओ सारे पीछे रहो दौड़ो यानी जो दौड़ने वाले लोग हैं, उनमें आगे निकल जाओ फस तबिकल खैरात फ बिकुल खैरात खैर को पा लेने के लिए आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ने का मतलब पीछे रहो तो वो काम वो काम जिसको हम इबादत कहते हैं जिसके लिए हमें पैदा किया गया है नेकी के जो काम हैं खैर के जो आमाल हैं तो इन चीज़ों को अंजाम देने के लिए हमें ख़ुद आगे बढ़ना चाहिए हमें ख़ुद आगे बढ़ना चाहिए ऐसे कामों को अंजाम देने के लिए सफ़े अव्वल की फ़जीलत नबी वसल्लम ने बताई कि अगर लोग उसकी फ़जीलत को जान लें क्या अजर मिलने वाला है तो उसे हासिल करने के लिए इस क़दर तेज़ी दिखाएँगे कि मैं पहले पहुँचूँ वो कहे मैं पहले पहुँचूँ और लोग इतने ज़्यादा हो जाएं और एक साथ में वो पहुँचें कि उनके दरमियान गोटी डालने की भी ज़रूरत पड़ जाए की ज़रूरत पड़ जाए तो वो करने के लिए भी वो तैयार हो जाए यानी हर कोई पहले पहुंचना चाहता है दूसरे को बढ़ाना नहीं चाहता और हम इस दीनी मामले को इख्तियार करने के लिए हम पीछे हट जाते हैं और आराम से फ़ला बड़े आदमी हैं आप आगे चलें आप पहले सफ़ में हो जाए तो ये सही फहम ना होने की वजह से है। दीन की सही समझ ना होने की वजह से है हम किसी को अपने ऊपर आगे नहीं बढ़ा सकते फजीलत हमें हासिल करनी है तो हम कोशिश ये करेंगे कि पहली सफ़ में आए इमाम से करीब हूँ ऐसा अल्लाह रब्बुल रब्बालमीन हमसे चाहता हम में से हर शख्स से चाहता है तो हर शख्स को दौड़ लगानी है यहाँ ये यह नहीं है कि हम किसी और को अपने से आगे बढ़ा दें ख़ैर के इन कामों के लिए और जिन कामों के लिए हमें दूसरों को आगे बढ़ाना है अपने ऊपर तरजीह दी है वो दुनियावी फ़वाद के लिए दुनियावी मसाले के लिए अब मिसाल के तौर तो पर हमारे पास गल्ले हैं हमारे पास खेतियाँ हैं हमारे पास खाने और पीने की चीज़ें हैं पहनने और ओढ़ने की चीज़ें हैं ये दुनियाई ज़िंदगी को अच्छी बनाने की चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी को अच्छी बनाने वाली हैं तो इसमें हमें कहा गया है सिखाया गया है ईद वलो और शक्के तमरा अगर एक ही है तो उसको भी दो टुकड़े कर दो और ऐसा करके आप अपने आप को जहन्नम से बचा लेंगे इसमें हमें दूसरों को तरजीह देनी है दूसरों की हाजतों को अपनी हाजत दबा लेनी है तो दुनियावी हाजत और उखरवी हाजत ये दो हाजतें हमारी हैं तो जो दुनियावी हाजतें हैं खाने पीने पहनने ओढ़ने की जो चीज़ें हैं जो सामान ज़िंदगी हैं जो जिस्म की ज़रूरतें हैं जो जिस्म की ज़रूरतें हैं ऐसे सामान जिसम की ज़रूरत के सामान हम दूसरों को देने में जरा बराबर ना झिझकें ज़र्रा बराबर ना हिचकिचाएं और दीनी मामला में हम किसी को आगे ना बढ़ने दें नेकी कमाने के लिए ख़ैर की चीज़ों को हासिल करने के लिए आखिरत के पसंदीदा कामों के लिए हम किसी को आगे न बढ़ने दें ऐसा हमारा रब चाहता है तो ये है दोनों चीज़ें तो अब्बास ने ख़ैर और बरकत की चीज़ जो उनके सामने है वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दूसरा शख़्स वो पा जाए और वो महरूम हो जाए नबी वसल्लम की तरफ़ से एक बरकत की चीज़ हासिल हो रही है उनको वो दूसरे को मिल जाए और वो महरूम हो जाए ऐसा अब्दुल्ला अब्बास रज़ी हनमुमान बिल्कुल नहीं चाहते थे और यही हक यही दुरुस्त कि बरकत की चीज़ें अच्छी और खैर की चीज़ें जिसका ताल्लुक़ आखिरत के नफ़ा से है तो उसमें क्या करना चाहिए खुद आगे बढ़ना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए ना ये कि औरों को आगे बढ़ा करके और अपने आप को पीछे करना चाहिए इसकी मिसालों में से आखिरत वाली चीज़ों में से चीज़ों की मिसालों में से मिसाल के तौर तो पर सदक़ा है वसल्लम ने कहा दाएं हाथ की तरफ़ से खर्च होता है और बाएँ को उसकी इतना ना हो बाएँ को उसकी खबर ना हो सके यानि खामोशी से खैर का ये अमल वो अंजाम दे ले ऐसा नबी करीम चाहते हैं यानि कसरत के साथ करें और ख़ामोशी के साथ करे खैर का ये अमल यानी दूसरे को अपने ऊपर तरजीह दे रहा है तभी वो खामोशी के साथ और हाथ मुट्ठी बंद करके वो दूसरे को वो चीज़ें जो उसे पसंद आ रही हैं वो दूसरों को दे दे रहा है जो उसे अच्छी लग रही है वो उसे दूसरों को दे दे रहा है आयते करीमा जब नाजिल हुई लन तनाल्रा है तुनफिको महिब्बू अलबिर मुकम्मल ने कि आप तब नहीं तब तक नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंद की चीज़ को न दे दें अपनी पसंदीदा चीज हमें क्या सबसे दुनियावी चीजों में दीनी चीजों में नहीं दुनियावी चीजों में हमें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो हम दूसरे को दे दें अब अगर कोई शख्स आपसे किताब मांगता है दे दें आपके पास एक ही है एक ही किताब दे दें दूसरे को हाँ? नहीं अब वो जरूरत की है तभी मैं कह रहा हूँ कि वो ख़रीद करके लेके आया है एक ही नुस्खा है उसके पास क्या करेगा वो उसको दूसरे को तरजीह देगा अपने ऊपर दूसरे को देगा या नहीं देगा कहेगा इल्म छुपाते हो वो कहे है कि आप पढ़िए आप उससे इस्तेफ़ा कीजिए रुकावट नहीं है लेकिन आप उसको लेके चले जाएं, हम उससे महरूम हो जाएं, ये खैर का एक दरवाज़ा है क्योंकि अमल अमल साल इल्म के बग़ैर इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है दलीलुल दलीलमल उसके बग़ैर आदमी अमल अंजाम नहीं दे सकता उसकी जानकारी उसे नहीं हो सकती गिफ़्ट कब देगा वो जब उसके पास एक से जायद होगा तब वो उसको गिफ्ट देगा इसीलिए अहले इल्म इस बाब में बहुत बखील वाक़ हुए हैं इस बारे में अहले इल्म बहुत बखील वाक़ हुई है किस बारे में किताबें देने के बारे में और इस ताल्लुक़ से काफ़ी आपको वाकयात मिलेंगे जिसके ज़िक्र का ये वक्त नहीं है तो यहाँ कहा गया है वह फीशा नहीं कुल ही और तमाम ही हालात के अंदर यानी ज़िंदगी के तमाम हालात में वो अच्छे हैं अच्छे हालात हैं अच्छी चीज़ें हैं अच्छे काम हैं अच्छे मामलत हैं तो दाएँ से उसका आगाज़ किया जाए ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये तरीक़ा हमें दिया गया है ज़िंदगी को अफज़ल और बेहतर बनाने के लिए इस रिवायत से एक फ़ायदा हमें और भी मिलता है इस रिवायत के जरिए से एक फ़ायदा हमें और भी मिलता है और वो ये कि आदत को इबादत बनाने की कोशिश करनी चाहिए आदत को इबादत बनाने की कोशिश करनी चाहिए इस रिवायत से एक फ़ायदा हमें ये भी मिलता है कि आदात को इबादात की शक्ल में लाने की हमें कोशिशें करनी चाहिए कैसे होगा आदात को इबादत की शक्ल में ले आने की कोशिशें करना उसकी शक्ल क्या बनेगी नियत करके जैसे कोई एक आए जी आसन 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 तो नियत किस चीज की करेगा यह क्लियर करना था मिसाल ठीक है मिसाल ठीक है लेकिन उसको जोड़ना है अभी हमें ताकि वो इबादत आए नियत किस चीज की करनी है बारकल देखिए दो चीजें हैं एक मकासद हैं दूसरे वसाइल हैं एक मकासद हैं और दूसरे वसाइल हैं मकाशद तो हम जानते हैं कि इबादत के लिए अल्लाह रबालमीन ने हमें पैदा किया है मकसद है जो मकासद हैं उनके ताल्लुक से कुछ कहने की जरूरत नहीं है लेकिन जो चीज़ें उन मकासद तक पहुँचाने का ज़रिया और सबब हैं उन्हें वसाइल कहा जाता है तो वसाइल को इस नीयत से अंजाम दिया जाए कि मकासद तक पहुँचाने का वो ज़रिया हैं वसाइल को इस नीयत के साथ अंजाम दिए जाएँ कि वो मकसद तक ले जाने का ज़रिया और सबब हैं तो अगर हमारी ये नीयत रहेगी तो वो वसीले पर भी हमको अल्लाह आलमीन की तरफ से क्या मिलेगा अजर मिलेगा वो भी बाई से सवाब होगा लेकिन अगर इस नीयत से खाली है तो क्या मिलेगा तो क्या मिलेगा ना सवाब मिलेगा ना गुनाह मिलेगा संत अल्लाह हफिक अगर इस नीयत से खाली है तो सवाब मिलेगा ना गुनाह मिलेगा क्योंकि वो जायज़ है जैसे हम खाना खा रहे हैं कोई नीयत नहीं हम इसलिए खा रहे हैं ताकि मोटे हो जाए कोई नीयत नहीं तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा कोई सवाब नहीं होगा अगर कोई दुनियावी मकसद के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो दुनियावी मकसद हमें हासिल हो सकती है दुनियावी मकसद के लिए अगर हम उसको हासिल कर रहे हैं जैसे नबी वसल्लम ने उसकी मिसाल दी है सही बुखारी की पहली रिवायत में क्या मिसाल दी है वो मन कानिया योसी बुहा वो मन कान थिजरत हो ले दुनिया यूसी बुहा अवई मराती हो फिजर तो इला कि आदमी ऐसी चीज हासिल करने के लिए इरादा बना रहा है जो कि दुनियावी चीजें हैं तो अगर उसकी वो नीयत है तो वही चीज उसे हासिल होगी उस पर कोई अज़र नहीं मिलने वाला हालांकि हिजरत इबादत है हालांकि अगर हिजरत शरा है शर्य हिजरत है अगर तो से अज़र है लेकिन कब से बायसर होगा जब उसकी नीयत इबादत से जोड़ने की होगी जब उसकी नीयत उसे शिरक़ से दूर होने गंदगी से दूर होने और इस काबिल होने कि वो रब करीम की इबादत और बंदगी सही माहौल के अंदर सही तौर पर अंजाम दे सके इसलिए वो हिजरत कर रहा है तो ये मुकम्मल इबादत हो जाएगी और से अजर हो जाएगा लेकिन अगर इस नीयत से ख़ाली हो गया और दुनियावी कुछ मकासद उसके सामने हैं हम ये इलाका इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ कारोबार का सिस्टम अच्छा है ये इलाका हम छोड़ के फला इलाक़े की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ कारोबार का तौर तरीका बेहतर है लोग सक्सेस होंगे वहां तो हमने जो नीयत की है वही हमें हासिल होने वाला हम इसलिए वहां जा रहे हैं क्योंकि वहां का दीनी माहौल अच्छा है क्योंकि वहां पर इलम शराय के हसूल के इम्कान ज्यादा हैं हमने इसलिए अपने इस इलाके को अपने इस वतन को अपने इस जगह को खैरबाद कहा क्योंकि वहां पर हमें ये चीज हासिल हो रही है दोनों में फर्क है दोनों में फर्क है तो इस नीयत से आदत को हम क्या बना देंगे इबादत क्या मतलब आदत से इबादत तो क्या हम कहेंगे उसको इबादत कहेंगे अभी मैंने कहा आदत से इबादत में बदलने का जरिया और तरीका क्या उसको हम इबादत कहेंगे नहीं हमारी इस नीयत की वजह से वो आदत इबादत नहीं कहलाएगी मिसाल के तौर तो पर आप एक लुमा अगर अपने बीवी के मुंह में डाल रहे हैं या किसी से मुस्कुरा के आप मिल रहे हैं तो इसको आप इबादत नहीं कर सकते जिस क़दर भी आपकी नीयत अच्छी हो ये इबादत का अमल है ही नहीं है इसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया है इसके लिए हम पैदा नहीं किए गए हैं हमारी पैदाइश जिस मकसद के लिए हुई है वही इबादत है अतजलखद अल्लाह रब्बुल रब्लामीन के हजूर जिल्लत और झुकाव मोहब्बत के साथ कामिल मोहब्बत के साथ इसके लिए हमें पैदा किया गया है लेकिन ये काम हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो ज़रिया और सबब है हमारे ज़िंदगी को इबादत के डगर तक पहुंचाने का वो एक सबब है वो एक जरिया है ताकि हम सुकून और इत्मीनान के साथ आफ़ियत के साथ हम इबादत के लिए खड़े हो सकें तो कहा जाता है अहकामुल मकासिद ये कहा जाता है कि मक़सद का जो हुक्म होगा वही हुक्म वसीले का होगा ये माना नहीं कि वसीला भी मकसद हो गया ऐसा नहीं कह सकते वसीला वसीला ही रहेगा यानी हम नमाज पढ़ने के इरादे से वज़ू बनाकर अपने घर से निकले तो इस इरादे से निकल रहे हैं तो एक एक कदम पर हमें नकियाँ मिल रही हैं इसका ये माना नहीं है कि हम इबादत कर रहे हैं हाँ? किस में शामिल है एतात जी हसंत वारकुल्ल जी एतात तो जब यह कहा जाए कि आदत को इबादत में बदल देना तो इबादत में बदल देने का माना ये होगा कि जो हुक्म इबादत का है और जो चीज़ इबादत के अंदर मैसर होगी अल्लाह रब्बुल रब्लम अपने फजल फज़ल व करम से इसके अंदर भी हमें वो चीज़ अता फरमाएगा यानी अजर और सवाब जी हैं ठीक कितना टाइम हो गया